वेलकम टू एग्जामशाला। एग्जामशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हिमांशु शुक्ला एक बार फिर आपके लिए लेकर हाजिर हूँ बैंकिंग गवर्नेंस की सीरीज। और ये बैंकिंग गवर्नेंस की सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे RBI के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, RBI ग्रेड बी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो है RBI ग्रेड बी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका 7th पार्ट है। इसमें हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये करंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। 6 पार्ट इसके आ चुके हैं। अगर आपने इसके पार्ट अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ इसको जाके देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं RBI ग्रेड बी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका 7th पार्ट, ठीक है। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम के अंतर्गत जो वेजेस बढ़ाए हैं, नेशनल एवरेज वेजेस किए हैं, तो नेशनल एवरेज वेजेस जो है वो कितने किए हैं, क्या उसका रेट है, ठीक है। तो ये आपको बताना है नेशनल वेजेस रेजेस। पहला ऑप्शन है 175 रुपीज़ पर डेज, दूसरा ऑप्शन है 178 रुपीज़ पर डेज, 170 रुपीज़ पर डेज, 176 रुपीज़ पर डेज। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन सही है। देखिए, इसका सही ऑप्शन है 178 रुपीज़ पर डेज। अभी नेशनल वेजेस रेट बढ़ा दिए, जो ये एवरेज रेट्स हैं, ये एवरेज रेट हैं, यानी पूरे कंट्री में ये एवरेज रेट रहेगा। एवरेज रेट बढ़ाने का क्या पर्सपेक्टिव है, देखिए रूरल इंडिया में जो हमारी डिमांड है, ठीक है, तो वो डिमांड काफ़ी कम हो गई है, मतलब इकॉनमी स्लो डाउन कर रही है। तो उस डिमांड को बूस्टअप करने के लिए RBI ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मनरेगा के अंतर्गत इस 78 मतलब नेशनल वेजेस रेट को क्या कर दिए, बढ़ा दिए, ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण ने भी हाल ही में, ठीक है, जो कॉरपोरेट टैक्स को रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो कॉरपोरेट टैक्स को रिड्यूस करने के लिए उसका रेट जो है वो 35% से वो कितना परसेंट कर दिया गया, तो ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन 25%, 30%, 22% और 26%। तो इसमें जो है एक चीज़ और याद रखना है कि इनमें जो है सेस और सरचार्ज भी इंक्लूडेड है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कितना परसेंटेज जो है रिड्यूस करके ला दिया गया। तो इसका सही जवाब है 25%, यानी 35% से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका रेट जो है वो 25% कर दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये जो 25% किया गया है, तो ये 25% क्यों किया गया, देखिए अभी जो GST आया था, वो GST के बाद, GST से पहले हमारा जो डीमोनेटाइजेशन था, तो डीमोनेटाइजेशन के कारण जो है भारत में बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो जाना, इकोनॉमिक स्लो डाउन होना, ठीक है। जो इकोनॉमिक स्लो डाउन को फिर से रिकवर करने के लिए, फिर से इकोनॉमिक स्लो डाउन से बाहर आने के लिए, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी से करने के लिए ये 25% किया गया, ठीक है। जो 25% ये किया गया है, 25% ये इंक्लूडिंग सरचार्ज और सेस से इंक्लूड हो गया, इसमें सेस भी जुड़ा होगा और सरचार्ज भी होगा। देखिए सेस और सरचार्ज क्या होते हैं, सेस और सरचार्ज ये दोनों टैक्स ऑन टैक्स होते हैं, ये दोनों चीज़ें टैक्स ऑन टैक्स होते हैं, मतलब टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन इनका एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कोई ऑब्जेक्टिव होता है तभी जो है सेस के ऊपर सेस लगा, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है कोई स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए। अभी सेस में क्या होता है कि सेस जो है वो डायरेक्ट टैक्स पर भी लग सकता है और साथ साथ में इनडायरेक्ट टैक्स पर भी लग सकता है, जबकि जो है सरचार्ज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट टैक्स पर ही चार्ज होता है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। RBI ने भी हाल ही में MCLR जो है रिज्यूम किया गया, तो MCLR का फुल फॉर्म क्या है आपको ये बताना है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लेंडिंग, फंड बेस लोन रेट है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लेंडर रेट है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लेंडिंग रेट है, या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लेंडिंग रेट है, तो इसका सही जवाब बताना है आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि MCLR होता क्या। तो MCLR एक बेंचमार्क लेंडिंग रेट होता है, बेंचमार्क लेंडिंग रेट होता है, जिस रेट के नीचे कोई भी बैंक अपने कस्टमर को, मान ली कोई कस्टमर है, इस कस्टमर को जो लोन दिया जाएगा, उस लोन का जो बेंचमार्क रेट होगा वो MCLR होगा,
ठीक है। तो MCLR जो है इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, इसका ऑप्शन सही है डी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक सरप्लस फंड दिया है, तो वो सरप्लस फंड इसलिए क्योंकि इकोनॉमी को फिर से क्या करना है, इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, इकोनॉमी को फिर से बूस्टअप करने के लिए इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आ गया, तो स्लो डाउन से बाहर निकलने के लिए, इंडिया की इकोनॉमी का बूस्टअप लाने के लिए, फिर से ग्रोथ रेट इम्प्रूव करने के लिए ये जो है इसमें एक सरप्लस फंड दिया गया है RBI के द्वारा, ठीक है। बिमल जालान कमेटी, ये याद रखना है आपको, बिमल जालान कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये फंड दिया गया है, बिमल जालान कमेटी के रिकमेंडेशन पर ये फंड दिया गया। तो ये कितना फंड दिया गया, 1.6 लाख करोड़, 1.78, 1.79, 1.89, तो इसका सही जवाब है 1.76 जो है लाख करोड़, इतना रुपीस जो है दिया गया है आरबीआई की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी हाल ही में डेवलपमेंट बैंक बनाने के लिए एक अनाउंसमेंट किया था। ये डेवलपमेंट बैंक जो है अनाउंसमेंट किया था, तो उसमें से कौन सी डेवलपमेंट बैंक बनेगी, नाबार्ड, एग्जिम बैंक, NHB, IFCI या ऑल ऑफ देम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डेवलपमेंट बैंक क्या काम करेगी। तो डेवलपमेंट बैंक जो होगी वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कराएगी, लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कराएगी ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सके और हमारी इंडस्ट्रीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए फंड मिल सके। ठीक है, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट होगा और इंडस्ट्रीज़ को लंबे समय के लिए लोन मिले। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी डेवलपमेंट बैंक में कैटेगरी में शामिल होगी। देखिए इसमें ई ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी जो है डेवलपमेंट बैंक की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है, उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में उनका काम होता है कि सभी कॉरपोरेट सेक्टर्स की, जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो उनकी कंडीशन को, मतलब जो है कंडीशंस क्या है, तो उस कंडीशंस को, फाइनेंशियल कंडीशन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो उसमें से ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है क्रिसिल। तो क्रिसिल का आपको फुल फॉर्म बताना है कि क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सेल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर क्रेडिट रेट इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, या क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए इसका सही जवाब है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका काम क्या है, इसका काम है कि फाइनेंशियल कंडीशंस हैं और जो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी कंडीशंस को क्या करना, आइडेंटिफाई करना कि मार्केट में इनकी कंडीशन क्या है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी सिक्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई करना कि क्या है। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी याद रखना है आपको, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, हेडक्वार्टर मुंबई में। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी बोरोवर की कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के लिए अभी हाल ही में RBI ने एक अकाउंट बनाया था जिसका नाम था SMA। SMA का फुल फॉर्म आपको बताना है कि यहाँ पर SMA का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर SMA का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, स्पेशलाइज मेंशन अकाउंट, स्पेशल मेंशन अकाउंट, या स्पेशल मोशन अकाउंट्स, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, बताइए इसमें। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जान लेते हैं हम लोग सबसे पहले स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट ये होता है कि मान लो बैंक है, एक बैंक है, वो किसी भी पर्सन को लोन देती है। मान लो कोई पर्सन है ए, ठीक है, कोई पर्सन है ए, इसको लोन दिया गया। अब इस ए पर्सन के द्वारा बैंक का कोई भी लोन नहीं चुकाया गया, तो बैंक का वो लोन जो है वो होता है क्या होता है, NPA हो जाता है। तो NPA होने से पहले इस NPA को
स्पेशल मेंशन अकाउंट पर मेंशन करना होगा। तो इसका सही जवाब है स्पेशल मेंशन अकाउंट यानी डी ऑप्शन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में इनकम टैक्स जो है वो निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स की जो जो इनकम टैक्स का जो परसेंटेज है जो बेस है वो कितना परसेंट कर दिया है। 5 लाख यानी इनकम टैक्स जो आपका चार्ज होगा वो कहाँ तक इनकम टैक्स आपका नहीं लगेगा, वो टोटल इनकम आपका इनकम टैक्सेस नहीं लगेगा। तो आपको ये बताना है 5 लाख, 5.4 लाख, 5.6 लाख, 6.5 लाख। ठीक है, तो इसका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। देखिए इसका सही जवाब है कि जीरो मतलब आपका 5 लाख तक नेक्स्ट ईयर से 5 लाख तक अगर आपकी कोई इनकम है तो 5 लाख तक इनकम पर कोई भी इनकम टैक्स यानी इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है, कोई भी इनकम टैक्स चार्ज नहीं होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो 5 लाख जो है इसका सही आंसर है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी हाल ही में NSE पर कुछ इरेगुलेशन के लिए फाइन लगाया है। तो ये आपको बताना है कि इरेगुलेशन के लिए जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो फाइन लगाया है वो कितना परसेंट मतलब कितना अमाउंट है उसका। तो इसमें ऑप्शन है 1200 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 1400 करोड़। ठीक है, तो भी आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। देखिए इसका सही जवाब है 1000 करोड़। देखिए इसमें इसका एक स्कैम हुआ था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। इसमें क्या हुआ था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सभी जो ब्रोकर्स थे उन ब्रोकर्स को एक दिन पहले ही सारे स्टॉक के ट्रेडर्स के बारे में बता दिया जाता था, यानी कौन सा स्टॉक बढ़ेगा और कौन सा स्टॉक नहीं बढ़ेगा इसकी इन्फॉर्मेशन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है सभी ब्रोकर्स को बता देता था। तो इसी के लिए रेगुलेशंस के लिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने NSE पर फाइन चार्ज किया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है, ये अप्रैल 2019 में वीकेंड पर कितना परसेंटेज हो गया। ये आपको बताना है कि अप्रैल जो है 2019 में कितना परसेंटेज हो गया। देखिए इसमें ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन सही है 418.5 बिलियन डॉलर। ठीक है, 418.5 बिलियन डॉलर, ये आपको याद रखना है। 418.5 बिलियन डॉलर जो है ये आपका जो है इतना हमारा रिजर्व हो गया है, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया है। तो इसका सही जवाब है 418.5 बिलियन डॉलर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जो अभी हाल ही में NIA यानी एक बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी, बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी कि जो हमारा इसकी पावर्स को बढ़ाया गया है, ये क्या है, किस इस बॉडी का क्या फंक्शन है, पहले ये जान लीजिए। जो NIA बॉडी फंक्शन इस्टेब्लिश की गई थी, ये हमारे जो GST आने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो GST पर स्लैब, मान लीजिए पहले 12% है, इस 12% को अगर ये कम कर दिया जाता, ठीक है, 5% कर दिया जाता, तो ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो इस 5% के रेट पर नया मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या फिर 12% पर ही वो अपना प्रॉफिट उठाते रहेंगे। तो इस NIA का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो NIA का जो फुल फॉर्म है उसका नाम है नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, यानी इसका डी ऑप्शन सही है। तो ये इसका जो है लास्ट क्वेश्चन था। इसकी नेक्स्ट सीरीज भी कल और परसों, देखिए 9 तारीख को आपका जो है एग्ज़ाम है, 9 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले एक दो वीडियोस और आएंगे, तो उन वीडियोस को अभी आप देखते हुए जाइए और बने रहिए एग्ज़ाम साला के साथ। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो लाइक आए, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, ठीक है, शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।